हेलो चेक। तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक, बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिली, क्योंकि दो ओवर में रन बने 42, दो रनों का पेनल्टी दिया गया है। जींस पैंट पहनकर खेल रहे हैं सैफ खान, देखिए बहुत सुलझे हुए कैप्टन है सैफ खान, क्योंकि जो सारे रूल बनते हैं वो खाड़ी पार से बनते हैं और खाड़ी पार की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है सैफ खान। पहले ही बताया गया था कि पहले राउंड से टी शर्ट रहेगी, सबको ट्रैक पैंट में आना है। साजिद स्ट्राइक पर, सगीर क्या पारी रही थी सरदार ट्रॉफी में पप्पू की, और स्पेशली समीर उर्फ राजू की, वाइट का इशारा आया। 43, पैरों के बीच से गेंद निकली है, देखना रन के लिए निकले, दोनों ही गाड़ियां एक ही पटरी पर, बच गए बैट्समैन। डॉट के रूप में स्कोर बुक में दर्ज होती हुई ये गेंद, बज्जू बचकाना, जहां कहीं पर भी आपको यहां आना है। अच्छी गेंद, ओहो सगीर कोई बात, थ्रो नहीं लगा वहां पर। लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं प्रिंस मूवीज पर। फोर्टी फाइव पर अब स्कोर जा पहुंचा है, दो अच्छी गेंदे दो खराब गेंदे। मुश्ताक खान को वीआईपी डाइस की जिम्मेदारी दी गई है। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें ब्लैक स्टार बनाम डीजे स्पोर्ट्स, ब्लैक स्टार बनाम डीजे स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है शमशाद खान। आज टी शर्ट में लगता है उनका मुकाबला है, ओ डीजे स्पोर्ट्स के कैप्टन है। नो बॉल का इशारा, एक रन और जुड़ता हुआ खाते में, एक रन की मदद से, दो रनों की मदद से स्कोर 47 पर। कल की शाम मदर खान, ओह गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे काशिफ और पारी का पतन हुआ। जिशान ने आउट होने से पहले नए बैट्समैन सदरे, अगला टूर्नामेंट खान स्पोर्ट्स का 23 तारीख से जिसका आगमन होने जा रहा है, जो टीमें भाग लेना चाहती है वो मजर खान से मुलाकात कर सकती हैं। देखिए अब मैच की शुरुआत करानी है, दोनों पेनल्टी अब इक्वल हो चुकी है,
ये हमजा खाटी मिट्टी का इंसाफ है। मुश्ताक खान का नाम तो हमारे दिलों में है। 48 पर स्कोर जा पहुंचा है जबकि दो विकेटें गिरी हैं। डिक्लेयर जोन में गेंद गई, दो रनों का इशारा, 50 रन मुकम्मल करते हुए इस वक्त मरियम स्पोर्ट्स अच्छी बल्लेबाजी की। आइए अनिस कुरैशी को भी आज हम एक्शन में देखेंगे। देखिए समय के मामले में थोड़ा कॉपरेट करना है, ये दूसरा ही मुकाबला आज है। टोटल 12 मुकाबले कराए जाने हैं और 10वें मुकाबले के बाद दूसरे राउंड की चिट्ठी उड़ेंगी सभी टीमें। इस बात का ध्यान देना है जो जीती हुई टीमें उनके कैप्टन को सिर्फ आना है। समीर उर्फ राजू चौथा ओवर लेकर आए, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बार वाइड का इशारा। देखिए आज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं कराना ये चाहूंगा कि 10वें राउंड के बाद दूसरे राउंड की चिट्ठी उड़ाई जाएंगी, जो टीमें जीत चुकी हैं सिर्फ उनके कैप्टन को यहां पर आना है। 10वें राउंड के बाद दूसरे राउंड की चिट्ठी उड़ाई जाएंगी, जितनी भी जीती हुई टीम के कैप्टन है सिर्फ उनको यहाँ पर आना है। थैंक यू। 52 बैंग ऑन टारगेट, ये राजू बाबा का स्टाइल है। नए बैट्समैन उमर, स्कोर है 52 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। पहली दो ओवर में 42 रन थे, नो बॉल का इशारा, 1+2 3 रन। देखना है सवाल पूछा वहां पर और सुरक्षित अपनी क्रीज में 1+2 3 रन। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं शमशाद खान को। मजहर खान तैयार है टॉस के लिए, फिर से वाइड का इशारा। तो कहीं ना कहीं देखिए सरदार ट्रॉफी से हम सरपंच ट्रॉफी से ही देख रहे हैं कि राजू अपनी लाइन लेंथ को उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं रख पाए, और जब बीच में गेंद करते तो इनसे खूंखार गेंदबाज कोई नहीं है। एक रन की मदद से अब स्कोर है 57। अच्छी गेंद वहां पर पैरों के बीच से सनसनाती हुई निकल गई। क्या बात है, आज अनिस कुरैशी उर्फ अनिस भाई स्क्रैप वाला भी एक्शन में नजर आएंगे। एक और विकेट, सदरे की पारी यहां समाप्त हुई। शून्य का चश्मा पहनकर जा रहे हैं सदरे। नए बैट्समैन वाहिद, फिर से वहां पर राजू की अच्छी गेंद फेंक दो। एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर 58। मरियम स्पोर्ट्स टॉस जीतकर हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए। समीर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क्स से मुड़ते हुए, अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर।
टप्पा पड़ने के बाद देखिए कितना रैपिडली वे गेंद ट्रैवल कर रही है विकेट कीपर तक। तो चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 59 और 60 रनों का लक्ष्य रखा। आइए अगला टॉस मजहर खान के हाथों से। हेलो, आइए हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर मारूफ पर्सनैलिटी मौजूद है, दानिश काजी। आपसे गुजारिश है, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। वेलकम दानिश काजी, आपका पुरजोश खैर मकदम है, वेलकम। आइए दानिश काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। डीजे डीजे सिद्दीकी भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। काजी आइए, दानिश काजी और मुश्ताक भाई आपका हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए दानिश काजी, टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, आइए मुश्ताक भाई आपको भी आना यहाँ पर। दोस्तों देखिए, कल जो है बीपीएल का ऑक्शन हुआ और बीपीएल के ऑक्शन में कल दानिश काजी के ऊपर भी काफी बोली लगाई गई और लगभग 3500 रुपए में वो बिकी है कल बीपीएल ऑक्शन में। आप लोगों को बताता चलो कि दानिश काजी एक टेनिस क्रिकेट की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और उनके नाम जो रिकॉर्ड है वो अब तक नहीं टूटा है। 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया था दानिश काजी ने मराठा पंजाब से खेलते हुए एकता ट्रॉफी पड़गा में। आइए टॉस अब उन्हीं के हाथों से होने जा रहा है। कॉइन दिखा दो, एक तरफ है किंग खान ट्रॉफी और दूसरी तरफ रहेगा SRK कॉल रहेगा। डीजे का कॉल किंग खान का है और आया है SRK। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश काजी और मुश्ताक भाई। तो इस वक्त मेरे साथ ब्लैक स्टार के कैप्टन है। देखिए सामने जो टीम है डीजे, एक बहुत ही बेहतरीन टीम है और इस टीम में जो खिलाड़ी है शमशाद खान, किंग खान ट्रॉफी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की और आप इनके टूर्नामेंट में खेल रहे। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का फैसला लिया तो डीजे को कितने रनों पर रोकने की कोशिश करोगे? 50 रन तक। 50 रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे और वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे? चारों बॉलर से उम्मीद रहेगी। किंग खान ट्रॉफी के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, इंशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट हर साल होते रहे और बहुत अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट खेल के। तो ये अभी अभी यहाँ पर ब्लैक स्टार के कैप्टन, अब आइए हमारे बीच में डीजे के कैप्टन है। देखिए शमशाद खान, आपकी जो टीम है SRK को आप स्पॉन्सर भी करते हैं, उस टीम के मालिक भी है आप और इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर भी है। टूर्नामेंट तो हम देख रहे हैं कि भिवंडी में हर तरफ अब इस किंग खान ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट आपके जहन में कैसा है कि हमको यहाँ पर किंग खान ट्रॉफी करनी है? नौशाद खान ने बहुत जीत की थी तो उसका सपना पूरा करना था, इसलिए ऐसा टूर्नामेंट कराया हम लोग। टूर्नामेंट को जिस तरह से आपने स्टार्ट किया है, टूर्नामेंट के पीछे जो मेहनत रही थी वो बताइए। टूर्नामेंट को कामयाब करने में तला खान, हमजा खट्टी मीठी, अनीस स्क्रैप वाले, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। देखिए 64 टीमों का ये टूर्नामेंट है और जो 64 टीमें खेल रही है, इन टीमों को क्या मैसेज दोगे आप? जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, सबके सब अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहले बैटिंग आई है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 70+। तो दोस्तों ये थे दो कैप्टन और टॉस को जीता है ब्लैक स्टार के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
तो आइए अब आज की रात का ये दूसरा मैच और दूसरी इनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी। जो टारगेट है वो 60 रनों का टारगेट है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार के सामने। इस बार फुल टॉस गेंद थी, वहां पर पुल करना चाहते थे इस गेंद को वहां बैट्समैन, लेकिन फुल टॉस गेंद को मिस कर बैठे वहां पर राजू। राजू और काशिफ ये दोनों ओपनर बल्लेबाज, एक अच्छा टारगेट है 60 रन अगर हम देखें इस ग्राउंड पर तो एक अच्छा टोटल माना जाता है, लेकिन अगर एसके स्पोर्ट्स के पास जो बल्लेबाजी है वो भी बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है। उसी बीच वहां पर देखना, बिल्कुल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था वहां पर बैट्समैन राजू ने। पहले ओवर में जो गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज फरहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक जो रन खर्च किए उन्होंने सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं। हालांकि पहली जो गेंद रही थी उनकी 9 बॉल रही, लेकिन उसके बाद 3 बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है उनकी, लगातार 2 गेंदें अब डॉट भी हुई है। एक बार फिर से वहां पर फरहान, एक और अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ज्यादा तेज गेंदे कर रहे हैं वहां पर फरहान, और वही कारण है कि उतनी बेहतर गेंद बल्ले पर नहीं आ पा रही है। फिर से सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। तो पहला ओवर यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन घटता हुआ मरियम स्पोर्ट्स के लिए। मरियम स्पोर्ट्स फातिमा नगर और एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार के बीच में ये आज की रात का दूसरा मैच खेला जा रहा है। प्लास्टिक अंडारम क्रिकेट की 2 बेहतरीन टीमें यहां पर आपस में लड़ती हुई, किंग खान ट्रॉफी 2024 बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट, कमाल का इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। लेकिन फिर से फुल टॉस गेंद थी और लगातार हम देख रहे हैं कि फुल टॉस गेंदों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज। हालांकि इस बार नो बॉल भी रही थी, बीमर ये गेंद रही थी, 1+1 2 रन जरूर आए हैं इस गेंद के ऊपर। राजू एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन एसके स्पोर्ट्स के लिए, यूपीएल में जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी वो तो कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही थी, समाध स्पोर्ट्स कल्याण रोड के सामने जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी। एसके स्पोर्ट्स भी प्लास्टिक अंडारम क्रिकेट की एक मानी जानी टीम है। अभी जो पिछले हफ्ते टूर्नामेंट समाप्त हुआ सरपंच ट्रॉफी, उसमें कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा था और प्री क्वार्टर फाइनल हारे थे। सैफ खान इस टीम के ऑनर, स्लॉग करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन एक और अच्छी गेंद रही है यहां पर फरहान की। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए हैं सिर्फ 7, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है यहां पर फरहान की, सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में पूरी तरीके से खामोश रखा है, लेकिन राजू और काशिफ ऐसे बल्लेबाज है कि बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को खामोश भी नहीं रख पाते, बहुत जल्दी ये बल्लेबाज अपना गियर चेंज करते, लेकिन गियर कब चेंज करेंगे ये देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन पहले ओवर में तो कमाल की गेंदबाजी रही है वहां पर फरहान की, और अब दूसरे ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए वहीद। पिछले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है ब्लैक स्टार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, न्योता दिया है डीजे को पहले बल्लेबाजी के लिए। ब्लैक स्टार और डीजे के बीच में अगला मैच, और इसी बीच वहां पर देखना है इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, कैच वहां पर छूटा है और उसी बीच 2 रन दौड़े है बल्लेबाजों ने। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था और जिस तरह से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था कि वो कैच नहीं पकड़ पाएंगे। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 9 पर, ओवर नंबर 2 का यहां से खेल शुरू हो चुका है। फिर से वहां पर देखना, अच्छा स्ट्रोक, ओ बहुत बेहतरीन फील्डिंग वहां पर जाहिर द्वारा, कमाल की फील्डिंग रही है इस बार और ये सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। ओवर नंबर 2 का यहां पर अब खेल शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए है अब बल्लेबाज। काशिफ और राजू सिंगल में बल्लेबाजी करते हुए 10 पर स्कोर, अभी भी यहां से जो रन चाहिए वो 50 रन और चाहिए, 16 गेंदे और 50 रन। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, इस बार गति परिवर्तन किया था वहां पर, थोड़ा स्लो गेंद फेंकी थी, वही कारण था कि बल्लेबाज ने थोड़ा सा रुक कर इस गेंद को खेला और नीचे बैकलिप से गेंद को खेला है। सिंगल ही रन फिर से आया है स्कोर में, गेंदबाजी में मिश्रण देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्रकार की गेंदे देखने को मिल रही है, कभी फास्ट गेंदे कर रहे हैं, कभी स्लो गेंदे फेंक रहे हैं, कभी मिडल में गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर राजू के बल्ले से।
सिक्सर लगा है इस बार, काटा तो यहाँ पर लगा होगा मरियम स्पोर्ट्स को, जिस तरह से राजू ने ये सिक्सर लगाया है, कमाल का स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइट। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर अब 18 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार। फिर से वहां पर देखना इस बार वहीद की ये गेंद, लगातार दूसरी वाइड गेंद। जिस तरह से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि लास्ट गेंद तक हो सकता है ये मैच जाए। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार 2 वाइड गेंदें करने के बाद इस बार अच्छी गेंद रही और ये डॉट गेंदों से भी बचना होगा यहाँ पर एसके के बल्लेबाजों को। फिर से वहां पर अपने आप को रूम देकर इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने, पंच किया था इस गेंद को और गेंद एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाती हुई। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 20। अब यहाँ से 12 गेंदें और रन चाहिए 40। हर ओवर में अब 20 रन बनाने होंगे एसके स्पोर्ट्स को, लेकिन पहले 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बने। 2 ओवर में जितने रन बने अब हर ओवर में उतने ही रन बनाने होंगे। क्लोजिंग एनकाउंटर में ये मुकाबला जा सकता है, लेकिन अब यहां से बल्लेबाजों को और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। लेकिन कल जो मैच रहा था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच रहा था, वो तो कमाल का मैच रहा था। पहली बार ऐसा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में कि 2 बार सुपर ओवर, जो लोग मैच देख रहे थे उनकी धड़कनें रुक गई थी, सांसें थम गई थी, इस तरह से वो मैच रहा था। बिल्कुल कल 2 बार सुपर ओवर रहा, लेकिन अगर प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की बात करें तो पहली बार अगर 2 बार सुपर ओवर हुआ तो इसी ग्राउंड पर हुआ है, निजामपुरा 11 स्टार और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में एशियन ट्रॉफी में 2 बार सुपर ओवर हुआ था। आइए हमजा खाटी मिट्टी हमारी तरफ आते हुए देखना है कि क्या मुद्दा लेकर आए हैं। देखिए प्लेयर स्टैंड के पास से सभी को हट जाना है, प्लेयर स्टैंड के पास जो लोग खड़े हुए सभी को वहां से हट जाना है प्लीज। देखिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का कोई सदस्य वहां पर चले जाए और उनको वहां से बड़े प्यार मोहब्बत से आप लोगों को हटाना है। आइए एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होने जा रही है। 2 ओवर की समाप्ति पर अब 20 रन बनाए गए 12 गेंदे और 40 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब बुलाया गया उमेर को बुलाया गया है, सामना करेंगे राजू। इस बार देखना है वहां पर पहली गेंद उमेर की, गेंद डिक्लेयर जोन में चले गई, बाय के रूप में ये डिक्लेयर जोन में गई है। बहुत ज्यादा अपना अगला पैर बाहर निकालकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर राजू ने, 2 पैरों के बीच में जो दरार बनी थी उसमें से गेंद फरार हो गई थी और सीधा डिक्लेयर जोन में चले गई, जहां पर बाय के रूप में ये 2 रन आए है इस गेंद के ऊपर। अच्छी बात इसके स्पोर्ट्स के लिए यह है कि राजू और काशिफ दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन अब यहां से और रन की तरफ जाना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। तो डॉट गेंद ये रही है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, एक और डॉट गेंद यहां पर होती भी तो पहली 2 गेंदें वहां गेंदबाज उमेर की, दोनों गेंदे डॉट रही है। 22 पर स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 38 रन अभी भी यहां से बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से देखना है, राजू ने इस गेंद को खेल दिया और गेंद जाती हुई कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। राजू के बल्ले से और ये दूसरा सिक्सर ठोक डाला है राजू ने। फिर से इस बार
लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर। पहली दो गेंदें वहां पर गेंदबाज की डॉट, लेकिन उसके बाद पलटकर वार करते हुए अब बल्लेबाज लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर ठोक डाले और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 34 पर। लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर, एक और शानदार गेंद डॉट। एक हमारी एक तुम्हारी यहां पर चलती हुई बीच ग्राउंड पर मरियम स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार के बीच में ये एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद भी ये होती हुई, तो अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे यहां पर, क्योंकि छह की छह गेंदें वहां पर सटीक लाइन और लेन पर रही है। भले दो सिक्सर लगे, लेकिन प्लास्टिक अंडररम क्रिकेट में अगर कोई गेंदबाज 10-12 रन खर्च करता है तो उतना महंगा ओवर नहीं माना जाता है। 34। अब यहां से छह गेंदे और रन चाहिए 26। छह गेंदे और 26 रन अब यहां से बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आए हैं आवेश को बुलाया गया है। आवेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर अकाशिफ। पहली गेंद आवेश की और आवेश को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर। जो टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है, सभी टीमों के मालूमात के लिए बताता चलो कि इस टूर्नामेंट का जो रूल है, आप कहीं पर भी खिलाड़ी खड़े कर सकते हैं, स्ट्रेट भी खड़े कर सकते हैं। फिर से इस बार क्या ये गेंद जाएंगी? बिल्कुल, ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर। लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर एक बार फिर से आते हुए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर होती हुई, लगातार दो गेंदों पर दो सिक्सर। अब यहां से 4 गेंदे और रन चाहिए 14। 4-14 का अब यहां से इक्वेशन आ चुका है। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर अब करते हुए। देखिए पिछले 3 ओवर तक खामोश रहे थे काशिफ, लेकिन अब उनको पता है अब यहां से अगर अपने बल्ले को नहीं खोला तो फिर सीधा खाड़ी पार जाना पड़ेगा। उसी बीच वहां पर देखना है आवेश की ये गेंद, इस बार वाइड गेंद रही है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ, 4 गेंदे और 13 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मेरा नाम सब भिवंडी उमर मोमिन, गोल्डन आर्मी के ऑनर उमर मोमिन, एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर। ए भाई ये कुछ भी बजाएगा। बॉलर बैक ड्राइव गेंद के ऊपर वहां आता हुआ, लेकिन रन नहीं लिया है बल्लेबाजों ने। डॉट गेंद, 3 और रन चाहिए 13। 3-13, 3 गेंदे और 13 रन यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या बेहतरीन ये मुकाबला, पहले 3 में 13 ही रन आए हैं, आने वाले 3 में और 13 रन बनाने होंगे। और उसी बीच एक बार फिर से ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर, आसमानी सुल्तानी तूफानी स्ट्रोक, 6 रन। क्या बेहतरीन यहां पर अब बल्लेबाजी करते हुए, 2 गेंदे और रन अब यहां से चाहिए 7। 2-7 का इक्वेशन आ चुका है इस ओवर में। ये तीसरा सिक्सर ठोक डाला है वहां पर काशिफ ने, कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। लेकिन ये मुकाबला अब रंग भरता हुआ किंग खान ट्रॉफी में। चेसिंग कंपलसरी है, ये जो 7 रन है पूरे बनाने ही होंगे। क्वार्टर फाइनल से अगर कोई मैच बराबरी पर छूटता है तो फिर सुपर ओवर रहेगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल से पहले जितने भी मैचेस बराबरी पर छूटे तो फिर जो टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसी को विजेता करार दिया जाएगा, क्योंकि चेसिंग
कंपलसरी है, चेसिंग और ड्रेसिंग भी कंपलसरी है, क्योंकि टी शर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। डॉट, लेकिन रन के लिए निकले वहां पर बल्लेबाज, ये सही फैसला था वहां पर बल्लेबाजों का, क्योंकि इस गेंद के ऊपर रन लेना जरूरी था, क्योंकि लास्ट गेंद के ऊपर अब सिक्सर लगता है तो फिर मैच जीत सकते हैं। एक गेंद और छह रन इस टूर्नामेंट में, एक गोल्डन सिक्सर लगाया है, वो भी अजमल खान ने कल के दिन लगाया था। अब तक इस सीजन 3 गोल्डन सिक्सर लगे हैं, अब देखना है क्या चौथा लगेगा, कि चौथा राजू लगाएंगे और टूर्नामेंट के क्या दूसरे बल्लेबाज बनेंगे। कल अजमल खान ने लगाया था, अब यहां पर क्या ये समीर खान राजू लगाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। एक गेंद और छह रन, क्या बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ। पहले 3 ओवर में जो गेंदबाजी रही थी वो बहुत ही बेहतरीन, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक 3 सिक्सर आ चुकी है। आवेश, गोल्डन सिक्स नहीं लगा और इस मैच को जीत लिया है मरियम स्पोर्ट्स फातिमा नगर ने। देखिए प्लीज अंदर नहीं जाना है, प्लीज थोड़ा कॉपरेट करें, अंदर किसी को नहीं जाना है, ग्राउंड के बाहर आ जाना है सभी लोगों को। तो क्या बेहतरीन ये मुकाबला चला है और इस मैच को जीत लिया है मरियम स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम स्पोर्ट्स, हार्ड लग इसके स्पोर्ट्स खाड़ी पर, हार्ड लग सैफ खान।